यमुना सफाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि है। उन्होंने कहा कि के गंदे नाले यमुना में गिरते हैं जिसे साफ करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का भी ऐलान किया उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी तब वो भी यमुना में डुबकी लगाने आएंगे साथ ही जनता को भी डुबकी लगाने के लिए कहेंगे केजरीवाल ने कहा कि यमुना के सिक्स एक्शन प्लान को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं तो हमने देखा था किस तरीके से बीते दिनों छठ पूजा के दरमियान भी यमुना मैली है और यमुना में किस तरीके से विशैले झाग तक देखे जा सकते हैं इसको लेकर के खूब राजनीति भी हुई थी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर के ये खुलासा किया और ऐलान किया है कि 2025 तक यमुना को स्वच्छ कर लिया जाएगा साफ कर लिया जाएगा यमुना हमारी लाइफ है लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है अंदर गंदा गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं यमुना का पानी बहुत गंदा है सभी दिल्लीवासी चाहते हैं दिल्लीवासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए यमुना साफ़ होनी चाहिए सत्तर साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में ये सत्तर साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है ये दो दिन में तो ठीक नहीं हो सकता तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों के कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूँगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा